भाई सोनीपत आए हैं और प्यारे लाल के प्यारे प्यारे पेड़े ना खाए हो तो यार पेड़ा और वो भी प्यारे लाल का खिलाएंगे वो हमें बड़े प्यार से, तो आइए चलिए प्यारे लाल के पेड़े खाने हम आ गए हैं। यहाँ का पेड़ा भैया वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस पेड़ा है यहाँ का, वर्ल्ड फेमस पेड़ा है। बट पेड़े के साथ साथ यहाँ देखो और कितना मिठाइयों का, ये क्या है, बर्फी है, ये पेड़ा भैया आम पेड़ा नहीं है, ये देखो पेड़ा कितना बड़ा पेड़ा है, भैया दिखाओ जरा, ये पेड़ा नहीं, पेड़ा आपने अक्सर छोटा खाया होगा, मथुरा के पेड़े, कहीं और के पेड़े, कहीं और के पेड़े, लेकिन ये छोटे से पेड़े का बाप है भाई, ये 100 ग्राम का पेड़ा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हरी किशन भाई, पिछले 25 साल से आप पेड़े दे रहे हैं और हमें लेके कौन आए यहाँ पे? दिव्या जी। कितने टाइम से आपकी शॉप पर आ रही हूँ? 10 साल से। जब से दिल्ली का माइकल छोड़ के सोनीपत के ससुराल में आई है यही पेड़े खा रही है। तो दिव्या जी आप ये बताइए, पेड़े तो खाती है यहाँ के, लेकिन आपका वेट वगैरह क्यों नहीं बढ़ता? नहीं अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 3-4 किलो बढ़ गया इनकी दुकान के पेड़े खा खा के। प्यारेलाल जी के पेड़े खा खा के। कोहली जी आप आओ, आप बताओ, कोहली जी सौरभ कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सौरभ कोहली कब से आ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे? मैं बचपन से आ रहा हूँ, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब से आ रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था पेड़े खाने आता था। क्या कुछ खास है इनके पेड़े में? इनके पेड़े में खास ये है कि एक पेड़ा अगर आप खा लोगे तो आप लंच टाइम तक एनफ है, मतलब आपको भूख ही लगेगी, बहुत हैवी पेड़ा है। अंकित जी खाओ, पेट भर के। देसी घी के पेड़े? घी नहीं डलता है, ऑटोमेटिक घी होता है, ओरिजिनल दूध से बनते हैं। दूध के पेड़े होते हैं भाई, ये सॉफ्ट पेड़ा है। कितना इना जी आप इतना से खाओगे यू फील लाइक कि भैया क्या खा लिया? इतना जितना हाथ में लिया उतना ही साइज होता है पेड़े का, इतना ही होता है पेड़ा से लेते हैं। हां सौरभ तू भी पेड़ा खा यार। हां नहीं कैमरामैन जी काफी टाइम से देख रहे हैं कि सारे खा रहे हैं और कोई उन्हें खिला नहीं रहा। यार ये नॉर्मल मैंने नहीं खाया ये वाला पेड़ा, मुझे ये वो पेड़ा नकली पेड़ा लग रहा है। तू खा भी नहीं सकती क्योंकि तूने कभी सोनीपत का पेड़ा खाया नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा ये अंकित जी आपकी वजह से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं ये पेड़ा खाने के लिए आज सोनीपत आ पाए। ये भी खा के देखो, ये भी बहुत देसी बर्फी है। हां देसी बर्फी आप खा के देखो, ये 1930 से है यहां पे, जो ये 1930 की रेसिपी है, ये 1930 बोले तो 91 ईयर्स। बेसन की है अपना देश आजाद होने से पहले, ये भी दूध से बनी हुई है। मावे की बर्थ में खाने का आइटम होते हैं, बर्थ में खाने का, हाँ फास्ट में खाने का आइटम होते हैं पेड़ा बर्फी मिलके, एक 3 आइटम जो हमारा होता है वो बिल्कुल आप फास्ट में खा सकते हो, इसके अंदर कोई मिलावटी नहीं होता, सिर्फ दूध और चीनी होता है। हरी किशन जी ये बताओ आप 10 साल के यहाँ आ गए थे? हाँ जी। और तब से पेड़े बनते हुए देख रहे हैं, खाते भी हो पेड़ा? हाँ जी खूब खाते हैं, रोज खाते हैं। हाँ जी खाना वाला नहीं खाते? खाना खाते हैं लेकिन पेड़े बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, पेड़ा जरूर खाते हैं हम। कितने पेड़े खा जाते हैं दिन में? एक पेड़े मन भर जाता है, 100 ग्राम का एक पेड़ा होता है। हाँ जी और भाई हमारे डेली एक पेड़ा जरूर खाते हैं, मीठा नहीं है, ओवर मीठा नहीं है, बिल्कुल मीठा। पेड़े लाल जी का घेवर खा के देखो, प्यारे लाल जी के। अच्छा ऐसा भी है यार, मुझे तो वही वर्ल्ड बेस्ट घेवर लगा था, ये भी उतना ही क्रिस्पी है। हाँ और ये ऊपर खोया है, खोया वाला घेर है ना ओरिजिनल, और सारी आइटम देसी घी की है। हाँ घेवर प्योर देसी घी में बनाते हैं, ड्राई है, मीठा बहुत ही कम है, भाई क्रिस्पी है, मजा आ गया। लेकिन दिव्या जी सीरियसली बहुत बढ़िया घेवर है। और कुछ आपको खाना है ये खा के देखो, जाने के खाओ। दिव्या जी आपको भी सब चट रखा है, दिव्या जी को आपको भी खाने का बड़ा शौक है। मैं रोज खाती रहती हूँ ना, हाँ इसीलिए नहीं नहीं देख के नहीं लग रहा। ये हमारी टीम में नहीं है, सौरभ भी वो कह रहे हैं अगर आप खिचड़ी के चैनल में चले गए आप और मोटे हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, हम कसरत कराएंगे बिल्कुल, हम एक नया चैनल भी लेकर आएंगे, हेल्थ वाला चैनल, तो जितना यहाँ खाएंगे कसरत करके सारा वहाँ बराबर कर देंगे। बड़ा सीरियस नोट, लेकिन इन्हें मजा आ गया भाई मेरे, इससे जरा जान लेते कब से शॉप। हाँ। भैया कितने कौन सी जनरेशन यहाँ काम कर रही है, मतलब कौन सी पीढ़ी? 3री पीढ़ी काम कर रही है। और कब स्टार्ट किया था काम? बाबा ने स्टार्ट किया था, उन्होंने फिर बाबा के लड़के ने संभाला, अब उनके पोते संभालते हैं। 3री पीढ़ी है, 3री पीढ़ी है ये। हाँ जी वाह भाई वाह। और भैया एकदम प्योर प्योर आइटम बनता है जी,
दूध और चीनी के अलावा तीसरा कुछ नहीं डलता इसमें। आपके यहाँ का और भी कुछ फेमस है मैंने सुना है? पेड़ा बर्फी मिलके तीन आइटम बनाते हैं बस। और दूध भी है आपका? दूध और लस्सी, दूध लस्सी इस समय खत्म हो चुका है, नहीं तो वो और पिलाते आपको, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, पेड़े का प्राइस बता दो जल्दी से। 450 रुपये के जी होता है। 450। घेवर का? 500 रुपये किलो। और मिल्क केक? 450। ठीक है भैया, यहाँ पर ये हाईली रिकमेंडेड है जगह। हाँ, पक्का पक्का पक्का। अगर आप सोनीपत में है तो ये गुनाह है अगर आपने कहीं और का पेड़ा खाया, घेवर खाया। तो अगर आप बेस्ट मिठाई खाने के शौकीन हैं और सबसे अच्छा टेस्ट चाहते हैं मिठाई का, देसी टेस्ट चाहते हैं, तो आप आ जाइए प्यारे लाल जी के यहाँ और फिर अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करिए। खिचड़ी द फूड चैनल देख रहे हैं आप, बोले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है सर, ओके। बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए सर। खिचड़ी द फूड चैनल, खिचड़ी द फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए सर। सो स्वीट, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। बाय बाय।